नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है और मैं हूं रजनी। बिहार एक बार फिर घोटाले की वजह से चर्चा में है, लेकिन इस बार सरकार महागठबंधन की नहीं है, सरकार है एनडीए की। और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं लालू प्रसाद यादव ने, वो लालू जो अक्सर खुद भ्रष्टाचार के आरोप झेलते आए हैं। भागलपुर के महाघोटाले ने लालू यादव को मौका दिया है और लालू ने कह डाला कि नीतीश कुमार ने बिहार को लुटवा कर रख दिया है। भागलपुर कोषागार से 1,000 करोड़ तक की अवैध निकासी घोटाले में लालू ने वित्त मंत्री सुशील मोदी पर भी संलिप्तता के आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। लालू ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। बहरहाल भागलपुर मामले में हर दिन नया राज सामने आ रहा है और सियासत भी भागलपुर के बहाने अपने अपने बदलापुर साध रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री सुशील मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 से 2016 के बीच भागलपुर में करोड़ों का घोटाला हुआ, इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री सुशील मोदी जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट देखिए। भागलपुर कोषागार से 1,000 करोड़ तक की अवैध निकासी के घोटाले को लालू यादव ने चारा से भी बड़ा कांड करार दिया है। लालू ने इस मामले में नीतीश और सुशील मोदी पर हमला बोला, कहा कि नीतीश ने अपने कार्यकाल में बिहार को लुटवा दिया। लालू यादव ने सुशील मोदी पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। आपने चहेते अफसरों को भेजवाया एसआईटी बना के भागलपुर में, आप दो ये मिनट में ही लोग दो ये दिन में एक प्रारंभिक रिपोर्ट दे दिया, चीफ सेक्रेटरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, अंजनी जी का कि घपला और बढ़ेगा, गवन की राशि और बढ़ेगी, ये उनके मुख्य सचिव बता रहे हैं, ये सारा फिक्स मैच था। सुशील मोदी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके आज इसके हाथ में हथकड़ी लगा यही है, नेपथ्य में अप्रत्यक्ष डायरेक्ट हजारों हजार करोड़ रुपया का निकासी करवाने वाला, सीधा जिम्मेवारी है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। भागलपुर में सरकार के संरक्षण में जो अरबों रुपये का घोटाला सामने आया है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के समान रूप से दोषी है। अरबों रुपये के इस घोटाला में अखबारों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें आ रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें इस जिले में दर्जन भर कलेक्टर, बड़े अधिकारी, सरकार द्वारा संरक्षित बड़े बिजनेसमैन, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, सुशील मोदी, भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व सांसद शाहनवाज, दिल्ली में भाजपा के बड़े शासन के मनोज तिवारी तथा बीजेपी के एवं जदयू के स्थानीय नेता, मंत्री, बड़े बिल्डर सहित कई रसूखदार लोग शामिल हैं इसमें। लालू के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालू यादव सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इस राज्य को भ्रष्टाचारियों ने किस प्रकार से बर्बाद किया, खासकर लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने किस प्रकार से इस राज्य की संपत्ति को लूटा है, सरकारी खजानों को भी लूटा, राजनीतिक व्यक्तियों को भी लूटा, नौकरी देने के नाम पर अन्य लोगों को भी लूटा, बेनामी संपत्तियां बनाई, दर्जनों कंपनियां बनाई, बिहार के का सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं। ये कोई व्यवसायी लोग नहीं है। या तो तेजस्वी यादव घोषणा करें कि मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ, एक तरफ यात्रा कर रहे हैं राजनेता बनने के लिए,
और दूसरी तरफ हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, दर्जनों कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, तो या तो कंपनियों के डायरेक्टर बने या पार्टी के नेता बने। जिस भी तरीके का ये भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कतई स्वीकार नहीं हो सकता, भ्रष्टाचारी कतई स्वीकार नहीं हो सकते, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाया है उस सृजन संस्था से या उसके अंदर के जो लोग हैं उन सारे लोगों पर कार्रवाई हो। बहरहाल कंबल ओढ़कर कौन घी पी रहा है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जब से लालू नीतीश अलग हुए हैं तब से बिहार की सियासत की तस्वीर बदल गई है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कल तक लालू जब नीतीश के साथ थे तारीफ कर रहे थे सुशासन बाबू की, और आज देखिए विपक्ष में क्या गए, अब सुशासन बाबू पर निशाना साध रहे हैं, भागलपुर के बहाने बदला ले रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है या फिर लालू खुद चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी जो भी हो वो जेल के अंदर हो, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो ईमानदारी से जांच हो। हालांकि वो बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लालू ने सबसे बड़ा घोटाला बताया है भागलपुर घोटाले पर, लालू ने हमला किया है डिप्टी सीएम और सीएम पर, नीतीश और सुशील मोदी पर हमला किया गया है। बहरहाल अब सवाल यही है कि बीजेपी इन हमलों का कैसे जवाब देगी, वार हुआ है तो क्या पलटवार करेगी। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रोफेसर अनिल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अनिल यादव जी। जब भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं, अब आपकी सरकार पर, आपके डिप्टी सीएम पर, आपके सीएम पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए इस लोकतंत्र में किसी को बोलने से तो हम रोक नहीं सकते, बोलने वालों को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा प्राप्त किए हुए हों, सजाए आपता हों, ऐसे स्थिति में उनके द्वारा यह कहना, जब हम लोगों की सरकार आई एनडीए की तो इतने बड़े इस तरह के घोटाले का जो ही पता चला, और वो पता कब चला, जब एक बैंक चेक बाउंस करता है और इस तरह से पता चला तो त्वरित कार्रवाई की गई और त्वरित कार्रवाई में इंक्वायरी शुरू हो गई, और इंक्वायरी शुरू करते हुए सारे चीज को सामने लाया जा रहा है। यहां तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हमारे नेता हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पूरे राज्य के सभी प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जितने भी जिला अधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबों को निर्देश जारी किया है कि आपके विभाग के संधारित सभी बैंक खातों का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट, जांच अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है। अब ये जो आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है, जैसे लालू कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार, सुशील मोदी के वक्त ये घोटाला हुआ है, वित्त मंत्री हैं तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी कौन लेगा इस घोटाले की? नहीं, यही तो मैं कह रहा, यदि किसी पदाधिकारी के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा और किसी एनजीओ के मिली भगत से इस तरह का घोटाला सामने आया है तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, सारे दोषियों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जाएगा। ये पूरा ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी लालू खुश नहीं है, लालू खुश नहीं है ट्रांसपेरेंसी से, जो आप इस पारदर्शिता से लालू खुश नहीं है। अब समझ में नहीं आ रही, भागलपुर के बहाने क्या बदला ले रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त आरजेडी से नेता कौशल प्रताप सिंह इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, स्वागत है कौशल प्रताप जी। एचके वर्मास कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ एनके चौधरी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है चौधरी जी। कौशल प्रताप सिंह जी, सवाल आपसे, कल तक आप नीतीश के साथ थे, तारीफ हो रही थी, अच्छे सीएम बता रहे थे, आज विपक्ष में है तो क्या आप बदला निकाल रहे हैं भागलपुर के बहाने? आपको मेरा नमस्कार है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि
पहला नेचर है एक जानी है कि ये लोग बीजेपी में जाने से सारे दाग धुल जाते हैं। ये सुशील मोदी जी के पहले, सुशील मोदी जी के वित्त मंत्री रहते ये कांड हुआ है, सारा घोटाला हुआ है। हमारे माननीय लालू जी ने ये नहीं कहा कि नीतीश जी खराब सीएम है और अच्छे सीएम है, वो तो वो खुद कहते हैं, उन गदी वाले कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि वो किस तरह का सीएम है। हम लोग तो उनको पलटू राम कह रहे हैं यार। यही बात कि आप नहीं, वो ये कह रहे हैं ना बिहार को लुटवा दिया, इसके मायने क्या निकाले? बस वही मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और जिस जीरो टॉलरेंस, एक आपके एफआईआर होता है और तेजस्वी जी का इस्तीफा देने का दबाव बनाते हैं और उसके चलते आप सरकार तोड़ लेते हैं, वही आपके ये जो डिप्टी सीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन पे इतने बड़े घोटाले कहीं के रहते आरोप लग गया, उन पर आरोप कहाँ लगा है? वो तो अधिकारियों ने किया है ना, डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से ये पैसे निकाले गए थे। अब वो तो डीएम से लेकर तमाम लोग हैं, वो कहाँ से आप डिप्टी सीएम के पास पहुंच गए? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी को पहले ये बात समझिए, और सारे जो जिलाधिकारी हैं या जो भी हैं, ये सरकार के अंदर में काम करते हैं, ये कोई और किसी के अंदर में काम नहीं करते हैं। और इतनी बड़ा घोटाला हो गया सरकार के नाक के नीचे, ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता। सरकार तो अभी बनी ना, अभी बनी, इसके पहले आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग को भनक नहीं लगी? थोड़े दिनों पहले तो आप ही की लोग की थी ना सरकार, सीएम भी आपके साथ थे, आप लोग क्या कर रहे थे? जवाब लेंगे जरूर। एनके चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि बिहार ही क्यों, या जो राजनेता है, जो राजनीति कुछ ऐसी हो गई है, अगर साथी हैं तो तारीफ हो रही है और जैसे ही विरोध में जाते हैं तो बदला निकाल लेते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि भागलपुर के बहाने बदलापुर हो रहा है, क्या 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 ये हो रहा है वाकई में बिहार में? बिल्कुल वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं जी, आपका असेसमेंट करेक्ट है, आप सही बोल रही हैं और यही हो रहा है। कल तक सब कुछ ठीक था, अचानक सब कुछ गड़बड़ हो गया। लालू जी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं, कम से कम उनको नैतिक अधिकार नहीं है। चारा घोटाला के अभियुक्त हैं, सजायाफ्ता हैं, बेल पर चल रहे हैं, उनके परिवार पर बिहार को लूटने के गंभीर आरोप है, और वह नैतिक पाठ पढ़ावे शर्मन दे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, या जिस सरकार के वक्त में घोटाला हुआ उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, दोषियों को अविलंब सजा मिलनी चाहिए, जनता का विश्वास पैदा होना चाहिए। सच तो यह है कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो गया है, थॉरली करप्ट हो गया है, और दावा हम जितना करें, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू जी हो या सुशील मोदी जी हो या तेजस्वी हो, इस भ्रष्टाचार को रोकने में सिर्फ अक्षम ही नहीं रहे, इनमें से कुछ नेता उसमें भागीदार रहे, उस भ्रष्टाचार के हिस्सेदार रहे और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहायक रहे, यह बिहार के लिए दुखद बात है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, यहाँ पर उन्हें आराम से घूमना नहीं चाहिए। सरकार अब कितनी कोशिश करती है ये तो दिख ही रहा है। बहरहाल, हमारे साथ एच के वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। एच के वर्मा साहब, जब भ्रष्टाचार की बात आई, तेजस्वी की बात आई, बड़ा साथ आप लोगों ने लालू का दिया था, अभी भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हैं, आपको क्या लगता है, क्या लालू, तो चलिए लालू पर बार बार आरोप ये लगते रहे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, आरोप लगे, सजायाफ्ता है, वो नैतिकता नहीं है कि सवाल उठाए, आप लोग तो सवाल उठा ही सकते हैं, आप लोग को क्या लगता है? देखिए, यह सृजन घोटाला जो है 2009 से शुरू हुआ है, आप कहते हैं जो सुशील कुमार मोदी अभी न हुए हैं, हाँ। 2009 में कौन सरकार थी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस वित्त मंत्री थे, उसी समय से यह हुआ है, कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इतने दिन से चल रहा था। तो आप लोग उठाए क्यों नहीं? आप लोगों को उठाना चाहिए था, आप चलिए उस वक्त विपक्ष में तब उठा लेते, लालू जी उठा लेते, अब समझ में नहीं आ रहा, सरकार में आ गए, उन्होंने घोटाले का बार करके सरकार छीनी, तो आप भी वही घोटाले का बार कर, बदलापुर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसकी जानकारी तो अभी हुई है ना, आज बिहार राज्य के चीफ सेक्रेटरी श्री अंजनी कुमार सिंह ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो आज कहा है, जो 418 करोड़ तक का यह घोटाला हो गया है, जबकि माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं 1000 करोड़ रुपए का से अधिक का घोटाला है। घोटाला हुआ है तो कोई भी आरोप लगाए, चाहे लालू जी लगाए, चाहे कांग्रेस लगाए,
चाहे कोई लगाए, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच तो हो रही है ना एच के वर्मा साहब, जांच तो हो रही है ना, अभी हो रही है जांच। नहीं जांच नहीं, सुनिए ना जरा सा मेरी बात। अगर लालू प्रसाद यादव पर घोटाले पर सीबीआई जांच हुई है, तो इस मामले पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव सीबीआई घोटाले की सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप लोग के ऊपर सीबीआई जांच की बात होती है, तो आप लोग कहते हैं केंद्र के इशारे पर हो रही है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि सीबीआई, अब आपको सीबीआई जांच पर भरोसा है? अधिकारियों चाहे थे पदाधिकारियों द्वारा जांच करा रहे हैं। सीबीआई जांच कराने की मांग अगर लालू प्रसाद यादव ने की है, तो उनको इस मामले में भी सीबीआई जांच करानी चाहिए। ठीक है एच के वर्मा साहब, एच के वर्मा साहब ये बताइए, कल तक आपके नेता तमाम लोग कह रहे थे सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, अब आप कह रहे हैं सीबीआई जांच करवाइए, अब भी यही होगा तो आप भी यही आप कहेंगे। आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप सीबीआई को क्या स्वतंत्र एजेंसी मानते हैं, या जब देखो नेता कुछ ना कुछ कह के ये कहने की कोशिश करती है कि इसके इशारे पर नाच रही है, उसके इशारे पर नाच रही है, ये तय कर लीजिए। अनिल जी जवाब आप दे दीजिए। राज्य सरकार में देखिए, ये वर्मा जी ने जो कुछ भी कहा या आरजेडी के नेता ने जो कुछ भी कहा, मैं अचंभित इस बात से हूं कि जो भी इंक्वायरी हो रही है बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है, और जिला का मामला है, पूरे बिहार के जिला अधिकारियों और आयुक्तों को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने पूरे अकाउंट को क्लियर करें और उसका पूरा डिटेल बैंक के स्टेटमेंट को चेक करके मिलाकर उस पर देखें कि यदि वो नहीं मिलता है तो उस संबंधित अधिकारी के ऊपर एफआईआर लॉन्च करें। इस तरह के आदेश के बाद अभी तक 302.70 मतलब कि 302 करोड़ और 70 लाख रुपये घोटाले पर 3 एफआईआर अभी तक हो चुके हैं, रेस्ट की इंक्वायरी चल रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोगों ने उम्मीद लगाई है कि इतना होगा। हमारे माननीय आरजेडी के माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि ये 1000 करोड़ का घोटाला है। अभी किसी को ये पता नहीं है कि ये कितने रुपए का घोटाला है, कितने 100 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसकी इंक्वायरी चल रही है। ये संख्या क्या होगी, ये धन क्या होगा, ये घोटाले का कोई नहीं जान रहा है। लेकिन हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसका मतलब है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को इस घोटाले के बारे में पता था कि कितना का घोटाला हो रहा है। यदि उनको ये पता था तो उनकी सरकार थी, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं इस पर रोक लगाया? और हमारे सरकार को जब एनडीए की सरकार बनी है और जिस समय एक चेक बाउंस हुआ और उस चेक बाउंस होने के कारण जो बातें सामने आई, तो पता चला कि उस अकाउंट से पैसा कहीं और गया, सृजना के अकाउंट में गया और सृजना के अकाउंट से कहीं और चला गया। इस घोटाले का उजागर उस समय हुआ जब सरकार के विभाग का चेक बाउंस किया बैंक में, ठीक है, उसका उसका ट्रांसफर मनी है, वो तो मुंबई तक गई है, मुंबई तक गई है, बहुत आगे तक तार जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार से अब तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि भाई आपकी सरकार है, घोटाला आपकी सरकार में हुआ, इसलिए बात हो रही है। आपसे सवाल कौशल प्रताप सिंह जी, वही जो अनिल जी कर रहे हैं कि भाई आप लोगों की जब सरकारें होती है तब ये जांच क्यों नहीं होती है, क्यों आपके साथ ही रहते हैं इसीलिए आपको लगता है? जब नीतीश ने साथ छोड़ा तो हत्यारा बना दिया, घोटालेबाज बना दिया, लुटिया दुबो दी, ये बदला लेने की राजनीति क्यों? कौशल प्रताप जी, हाँ देखिए, हम बदला लेने की राजनीति नहीं है, जो घोटाला हुआ उसका उचित जांच हो और उससे जो भी जिन लोगों की संलिप्तता है उनको गिरफ्तार किया, उनको एफआईआर किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, आपकी जानकारी कितनी है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों पर एफआईआर हुई है, कितनी एफआईआर हुई है, जानकारी है क्या इस बात की, या फिर बिना जानकारी के ही आप लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं? देखिए, जितना बड़ा घोटाला है उसमें तो मेरी जानकारी बहुत कम है, सही बोले तो इस संदर्भ में मेरी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी लोगों पे जो जांच के लपेटे में आए हैं, ठीक है, उन लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए। और ठीक है, ठीक है, एफआईआर हो गई। इंडियन बैंक के तिलका मांझी शाखा के 2 शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के गबन के आरोप में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके दूसरे दिन सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 और प्राथमिकी दर्ज की गई। काम हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इतना हंगामा क्यों हो रहा है। एन के चौधरी साहब, आपने जैसे कि कहा कि ये बदलापुर की राजनीति है,
क्या ऐसे ही चलता रहेगा? इसमें तो बिहार की लुटिया डूब रही है ना, डुबाई तो जा रही है ना लुटिया। बिल्कुल डुबाई जा रही है लुटिया, और ऐसे नेता रहेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। मैं बीजेपी वालों से जानना चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ क्यों है? चाहे सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कोई करे, लेकिन क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? या अफसरों के खिलाफ अफसर जांच करते रहेंगे? उन्हीं पर आरोप है और उन्हीं के भाई बंधु लोग इंक्वायरी करेंगे, कितना निष्पक्ष होगा? लोगों का भरोसा नहीं होगा। ये पूरा यहाँ का अफसरशाही भ्रष्ट हो चुका है, और इस अफसरशाही के माध्यम से अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। स्वाभाविक है कि यह जांच मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रभावित कर सकते हैं इसको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई के अगर मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? या दूसरी चीज है कि लालू जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन जनता को तो अधिकार है कि निष्पक्ष जांच की मांग करे और जल्दी कार्रवाई की मांग करे, और जो लोग दोषी हैं उनको जेल में बंद करने की जांच। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी करना है तो जांच की जरूरत तो है। प्रोफेसर अनिल यादव जी, जवाब आप दे दीजिए। एच के वर्मा साहब कह रहे सीबीआई से जांच करवाइए, लालू कह रहे हैं सीबीआई, आपकी सरकार क्यों सीबीआई से जांच नहीं करवा रही है? और जो लोग जांच कर रहे हैं वो कैसी जांच करेंगे, किस तरीके के आरोप हैं और सगे संबंधी हैं? ये लग रहा है क्या कोई अपनों को ही जांच की आंच तक ले जाएगा या फिर बचाएगा? जी, ये विपक्षियों को ये बोलने का एक मुद्दा है, इस तरह से बोलने की आदत है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त और जो बिहार के पूरे धन को बटोर कर आज अरबपति बन गए, ये बताइए ना, सीबीआई की जांच क्यों नहीं? जब सीबीआई तेजस्वी पर आरोप लगा तुरंत जांच हो गई, छापे पड़ गए, सब हो गया। मैं बता रहा हूँ रजनी जी, जब किसी भी राज्य का एजेंसी इंक्वायरी करने में असक्षम हो जाता है और उसे बातें समझ में नहीं आती है, सरकार उससे इंक्वायरी छोड़वा के सीबीआई की इंक्वायरी करने की बात करता है। जब हमारी सरकार और हमारे पदाधिकारी, हमारी एजेंसी, अनिल जी आपके पदाधिकारियों पर ही तो आरोप लग रहे हैं कि आप जिनसे जांच करा रहे हैं वो जांच प्रभावित कर सकते हैं, वो जांच प्रभावित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जांच प्रभावित कर सकते हैं कहा है? यहाँ डिप्टी सीएम कहाँ है? मुख्यमंत्री यदि रहते तो ये बातें होती ही नहीं, एफआईआर लॉन्च नहीं होता, इंक्वायरी शुरू नहीं होती, बातें पब्लिक के सामने नहीं आती। आप इस तरह से जब सरकार के द्वारा ये बातें सामने लाई गई है तब फिर आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इसके लिए इसको प्रभावित करेंगे? जिसने खुद कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसने खुद कहा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अनिल जी आपको भी तो नहीं पता है कि घोटाला कितने का हुआ है? केंद्र में अनिल जी आपको पता है क्या घोटाला कितने का हुआ? अभी तो आपको भी नहीं पता कितने हजार का घोटाला है। पता नहीं है ना, वो तो जैसे जैसे सामने, मैं बता रहा हूँ एक चीज, कल को सीबीआई इंक्वायरी करने लगेगी और सीबीआई की इंक्वायरी का कुछ रिपोर्ट आने लगेगा और इशारा कहीं और होने लगेगा तो ये लोग कहेंगे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सीबीआई को अपने इशारे पे चला रही है। आज हमारा यहाँ स्टेट में एनडीए की सरकार है तो आप कहते हैं कि हम प्रभावित कर सकते हैं, केंद्र में भी नई सरकार है। ठीक है, एच के वर्मा साहब, यही सवाल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे किया था, कल तक जब तेजस्वी पर सीबीआई कार्रवाई कर रही थी आप लोग सुर मिला रहे थे कि तोता है और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अब अगर सीबीआई इस मामले की आगे जांच करेगी तो क्या सीबीआई की जांच से संतुष्ट होगा विपक्ष या उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे? कि हमने जिस तरह से कहा था, वर्मा साहब का जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, अनिल जी कांग्रेस की तरफ से जवाब, एच के वर्मा जी जवाब। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जो लोग, तो नैतिकता का, इतना नैतिकता का भाषण मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार देते हैं तो उनको क्या थी दिक्कत है सीबीआई इंक्वायरी कराने में? नहीं तो पहले तय कर लीजिए ना अफसरों से, वर्मा जी पहले तय तो कर लीजिए। जब तेजस्वी पर होती है तो कहते हैं सीबीआई इशारे पर काम कर रही है, अब यहाँ एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी, अब सीबीआई जांच करेगी तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे क्या या उस पर भी सवाल उठाएंगे? हो जाएंगे, सीबीआई जाँच होनी चाहिए, संतुष्ट हो जाएंगे आप? के जाँच पर लोगों का भरोसा नहीं है। आप जब वहाँ संतुष्ट हो जाते हैं तो तेजस्वी के मामले में क्यों आप सीबीआई पर सवाल उठाते हैं? कोई हम लोग सवाल नहीं उठाया है, पहले भी आप लोग यही कहते रहे हैं कि सीबीआई इशारे पर काम कर रही है, ऐसे आरोप नहीं लगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जोर जोर से नैतिकता की बात करते हैं तो उनको सीबीआई इंक्वायरी करानी चाहिए, नैतिकता का यही तबादला। पहले शुरुआती जांच तो हो जाए, एकदम
सीबीआई को थोड़ी ना देंगे मामला, पहले शुरुआती जांच हो जाए उसके बाद पता चलेगा, प्राथमिकी हो रही है, इंतजार करिए थोड़ा सा। वैसे आप लोगों ने जो वक्त दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, एच के वर्मा साहब, एन के चौधरी, प्रोफेसर अनिल यादव और कौशल प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए। तमाम लोगों के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप दावे हैं, लेकिन जो अभी शुरुआत में नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है कि भागलपुर के बहाने बदला निकाला जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।